के सभी युवा आपके पास पहुंचे, सभी छात्र नेता पहुंचे, छात्र नेताओं की मांग पत्र आपके सामने है सर, आप लोगों ने क्या इस पर निर्णय लिया है? झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन रांची के द्वारा एक मांग पत्र आज सौंपा गया और ये नौजवान यहाँ के बेरोजगार जो लड़का जो आज तक नियोजन नहीं हो पाए थे, वो भी हमसे आज मुलाकात किए और उन लोगों का जो मांग है उस मांगों पर उन्होंने जो मांग पत्र दिया है उस सारी चीज को हमने देखा है और हम लोग भी चाहते हैं, झारखंड सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द यहाँ की लोगों को जो रोजगार दिया जाए, नियोजन निधि बनाकर इसको भरपाई किया जाए और मैं इन सभी को आश्वस्त कराना चाहते हैं, इनके मांग पत्र जो हमें मिला है उसको हम दिखवाकर माननीय मुख्यमंत्री से बात करके ये रास्ता प्रशस्त करने की काम करेंगे। तो सर जो वो हम यही पूछना चाह रहे हैं कि जो मैट्रिक इंटर पास करने की बाध्यता जो रखी गई है, जो उसको समाप्त किया गया, तो सिर्फ झारखंडियों के लिए किया गया है कि पूरे भारत के लिए? सारे मैटर को हम लोग ने कहा कि अगर हमारा मनसा साफ है कि अगर जिस तरह हाईकोर्ट ने जो रद्द कर दिया हमारे जो नियोजन नीति हम लोग बनाए थे जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे, रद्द कर दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम कोर्ट नहीं जाकर ऐसे नियम बनाकर यहाँ के अतिरिक्त सचिव लोगों को नियोजन हम दे सके, उसी रास्ता को अपने के काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है और जो आपकी मांग आज मांग पत्र हमें मिला है निश्चित तौर पर इसको दिखाकर हर बिंदुओं को देखकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करके जो झारखंड के यहाँ के लोगों को नियोजन के लिए बड़ी बेहतर होगा उसी रास्ता को अपनाएंगे। और जहां तक आप लोग से ये भी हमारा ये रहेगा कि आप लोकतंत्र में कोई भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। अब यही बात रहा कि आप कल धरना में बैठिएगा नहीं बैठिएगा, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपके लिए लड़ाई में सम्मिलित है, झारखंड सरकार यहाँ की नौजवानों के साथ है, ये हम करना चाहते हैं। सर एक चीज और हो जाएगी सर, देखिए हमारी सरकार हमारे नेता हेमंत जी का भी यही सोच है कि मार्च महीने में कम से कम 4-5 एडवर्टाइजमेंट हम लोग निकाले ताकि लोगों को लगे कि सरकार ने जो जवान दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ के नियोजन नीति बनाकर यहाँ के जो नौजवानों को जोड़ने की काम करेंगे, उस दिशा में मार्च में ही आपको देखने मिलेगा। सर सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि हमारे आपने हमारे मुद्दों को इतना गंभीरता से लिया और आप अभी तुरंत आप गोमिया से यहाँ आए। सर आपको जो हम लोगों ने मांग पत्र दिया है सर, इन बिंदुओं पे क्या कहना चाहेंगे सर आपसे? बिल्कुल, हमारी सरकार राज्य के आदिवासी मूलवासियों के जनभावना के अनुरूप काम करती है और जो सुझाव आज झारखंड स्टेट क्या समझाया सर, कल आप लोगों ने जो हम लोगों ने सब निर्णय लिया था कि कल आंदोलन करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, तो क्या उसे स्थगित समझा जाए? जी, जो हम लोग का 20 मार्च 2023 का जो हम लोग का छात्रों का आंदोलन था, इससे पूरे झारखंड के 2400 जिलों से छात्र आ रहे थे, तो हम लोग का आंदोलन को यहाँ की सरकार, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार बहुत सीरियसली और गंभीरता से लेते हुए वार्ता के लिए हम लोग आए और वार्ता बहुत ही सकारात्मक हुआ और एक एक बिंदु पर बहुत लंबे समय तक गहन चिंतन मंथन और एक हर बिंदु पर चर्चा हुआ कि किस तरीके से लागू किया जा सकता है, कहाँ संवैधानिक है और कहाँ तक हम यहाँ के लोगों को, चाहे भाषा की बात हो या तो जहाँ जब फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भरने की बात हो, जिला स्तरीय पदों की या राज्य स्तरीय पदों में क्षेत्रीय भाषा की बात हो, मैंने अधिकतर से अधिकतर बहुत गंभीरता से बात हुई कि अब हम लोग अभी का जो वार्ता हुआ बहुत सकारात्मक हुआ और हम लोग अभी बहुत वार्ता से काफी संतुष्ट हुए हैं और हम लोग ने सभी को मिलकर निर्णय लिया है कि कल का कार्यक्रम को हम लोग स्थगित करते हैं फिलहाल और सभी छात्रों से हम निवेदन करेंगे कि जो भी 2400 जिला से आने वाले थे अभी अगला जो हम लोग का घोषणा होगा तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए, आगे हम लोग फिर अभी सरकार का कुछ दिन के लिए मौका देते हैं फिर आगे हम लोग रणनीति। कल क्या आंदोलन स्थगित रहेगा? बिल्कुल, कल इसलिए भी स्थगित करना पड़ रहा है क्योंकि आजसू और बीजेपी जो है हमारे आंदोलन को लगातार हाईजेक करने का प्रयास कर किया जा रहा था और राजनीतिकरण हो रहा था, इसलिए इसको रोकना बहुत ही जरूरी था। इसलिए साथियों से अपील है कि आप लोग जो है परेशान ना हो, पैनिक ना हो, सरकार हमारे साथ है और अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारे मंत्री जी ने आश्वासन किया है कि आप लोग आंदोलन पुनः कर सकते हैं, हमें और कुछ समय की जरूरत है, तो इसलिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद।